बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जिल का काला या गोरा होना आमतौर पर इसमें पाए जाने वाले खुलियात की वजह से होता है, लेकिन ज्यादातर मौसमी हालात, आबो हवा और जिल का सर्द या गर्म मौसम में खुला रखने से भी जिल काली और बेरौनक हो जाती है। सूरज की किरणें भी जिल को नुकसान पहुंचाती हैं, जिनकी वजह से भी जिल की रंगत सियाह होने लगती है। अगर आपकी जिल भी सियाह और बेरौनक हो गई है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा स्किन वाइटनिंग पाउडर बनाना सिखाऊंगी जिसका सिर्फ आधा चम्मच अगर आप पानी में डालकर पियेंगे तो आपका पूरा जिस्म गोरा चिट्टा हो जाएगा। तो जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले आपने लेने हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, पंसार की दुकान से ये आसानी से मिल जाएंगे। 3 चम्मच आपने ये लेने हैं। अब जो चीज आपने लेनी है वो है काला जीरा। काला वाला जीरा आपने लेना है, सफेद वाला नहीं। ये भी आपने 3 ही चम्मच लेना है। अब जो चीज आप लेंगे वो भी आपके घर में ही मौजूद होती है और वो है सौंफ। सौंफ भी आपने 3 चम्मच ही लेनी है। अब जो चीज आपने लेनी है वो है हल्दी। अगर बाजार से साबुत हल्दी लेकर घर में ही खुद पीसेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बस 1 चम्मच आपने हल्दी लेनी है। अब आप लेंगे दालचीनी पाउडर, ये भी तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है, इसका भी आप बस 1 ही चम्मच डालेंगे। अब इन सब चीजों को किसी पैन में डालकर अच्छी तरह भून लें, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भी आप इसे भूनेंगे तो बहुत होगा। फिर इसे मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लेना है और ये आपका स्किन वाइटनिंग पाउडर तैयार है। अब आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है यानी हल्का गर्म, और इसमें अब आपने एक खास चीज डालनी है और वो है टोमेटो जूस यानी टमाटर का रस। 2 चम्मच आप इसके डालेंगे, और अब इसके बाद आपने इस पाउडर का बस आधा चम्मच डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। सुबह निहार मुंह आपने इसे पीना है। जायका थोड़ा अजीब तो होगा, लेकिन दवाई समझकर पीजिएगा। 15 से 20 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रंगत गोरी होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपके जिल पर कील माह से निकलते हैं तो वो भी निकलना बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी और सादा और आसान सी रेमेडी है, आप इसे जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलें अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।